सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, की हाल चाल सारे नु सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। तो भाई आज ना सुबह सुबह में जो बारिश लगी है बहुत मजा आ रहा है, लिटरली आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। एनीवेज भाई लोगों, होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज है भाई डेट 27th of May और टाइम हो चुका है सुबह के 9:17। भाई सुबह सुबह जो बारिश पड़ रही है ना, एक नंबर बारिश पड़ रही है, बूंदा बांदी झम झम रिम झिम वाली जो होती है, बहुत ही प्यारी तरीके से बारिश हो रही है। और लिटरली आज का जो मौसम होने वाला है ना, वो एक नंबर होने वाला है। एनीवेज भाई लोगों, एक और अपडेट देना चाहूँगा यार। आपने ना, मैं एक्चुअली पहले जाया करता था, काफ़ी टाइम से मेरा छूट गया है, तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा। तो अब अपन ना यार एक फैमिली बनाएंगे सोशल मीडिया पर, एक फैमिली क्रिएट करेंगे अच्छी सी, जिसमें आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा एज अ वीडियो शेयर करके। और अगर आप लोग कुछ करना भी चाहते हो मन से, अगर आपको लगता है तो करना, इसमें कोई आपके लिए ज़बरदस्ती नहीं होने वाली है। अब किस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपन आपको बता देते हैं। भाई मैं ना आज से एक चीज़ सोची, एक्चुअली एक बालगृह हुआ करता था हमारे यहाँ पे ऑर्फनेज चिल्ड्रंस का, जो लोग अनाथ आश्रम्स में बच्चे होते हैं छोटे वाले, मतलब करीबन एक साल से लेके और 15-20 साल तक के बच्चे होते हैं यार, वो ना पहले एक जीवन ज्योति बालगृह हुआ करता था। मेरी आज बात हुई भैया से, तो बोलते हैं कि यार भैया वो तो हमारा बंद हो गया, किसी ने केस डाल दिया फर्जी केस बना के, और जितने भी बच्चे थे वो गवर्नमेंट वाले बालगृह में जा चुके हैं। तो उस बंदे का तो मैं सपोर्ट करूँगा इंटरनली, शायद मैं इस चीज़ को ब्लॉग में ना डाल पाऊँ, बट मैं उस बंदे का बहुत सपोर्ट करने वाला हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। अगर हुआ लाइफ में आगे तो यार उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि अपने को उन बच्चों की हेल्प करनी है। जो बच्चे हमारे जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं बट उनके माँ बाप पैदा करके इधर उधर फेंक जाते हैं, बहुत गंदा लगता है यार। मतलब वो भी आपका खून है यार, मतलब ठीक है किसी की सिचुएशंस होती हैं, बट कुछ लोग तो भाई क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता भगवान। बट मैं ना यार एक चीज़ जानता हूँ कि अपन उन बच्चों की ना हेल्प करने वाले हैं, आप मेरा साथ दोगे मिलके और हम लोग अच्छे से हेल्प करेंगे। तो आज भाई जो गवर्नमेंट वाला ऑर्फनेज हॉस्टल है, अनाथ आश्रम है, मैं आज वहाँ जाऊँगा, मैं पूछूँगा कि भाई अपन लोग बाहर से कुछ खाने पीने के लिए ला सकते हैं नहीं ला सकते। तो अपन वहाँ जाके मैं बात करने वाला हूँ आज। अगर हुआ तो भाई आप लोग भी धीरे धीरे अगर आपका मन करता है तो सपोर्ट करना, नहीं तो आप लोगों से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा कैसी भी किसी भी चीज़ को लेके। बाकी मैं पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ उन बच्चों को, उनकी चीज़ों को लेके। मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल लाइफ लें यार, एक जो भी उनके सपने हों वो भी उनके भी साकार हों। तो इतना तो आप लोगों को पता है कि ये चीज़ मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, तो ऑफकोर्स मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अपन तिनका तिनका की उनके लिए जोड़ेंगे ना यार, तिनका तिनका करके भी, तो शायद मैं एक बात आपके लिए गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ टाइम बाद आके ना उनको एक बेस्ट लाइफ देने का ट्राई करूँगा, उनको वो सब चीज़ करवाऊँगा जो वो एक नॉर्मल एक बंदा करता है, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना उनका भी मन करता है यार, कभी हम लोग भी मूवी जाएँ, कभी हम लोग भी कहीं घूमने जाएँ। तो ये चीज़ मैं उनके लिए भाई करूँगा, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस अभी आपके लिए सपोर्ट ये रहेगा कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, जितना होगा उन बच्चों के लिए सपोर्ट बनेगा, उन बच्चों के लिए हेल्प कर पाऊँगा मैं। तो गाइज़ आज ना मैं एक आश्रम हॉस्टल कुछ भी कह सकते हैं जो बना हुआ है, तो मैं वहाँ आज जाने वाला हूँ, तो आप लोगों को भी साथ लेके चलूँगा। पहले वहाँ जाके बात करूँगा कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउ है या नहीं है, अगर होगा तो मैं पक्का आपके सामने ये सारी फुटेज में डालना चाहूँगा, क्योंकि जिससे आप लोगों को भी पता लगता रहे कि हाँ कुछ कर रहा है भाई, आपकी चीज़ों से आपके सपोर्ट से उन बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। एनीवेज भाई लोगों, अभी तो टाइम देखो यार 9:30 हो चुके हैं, बरसात काफ़ी पड़ रही है, तो जल्दी मिलते हैं आपको अपने चिल्ड्रन आश्रम में। अभी तो एक्चुअली मेरा शॉप जाने का टाइम हो चुका है, बट मैं 1:30 के आसपास वहाँ ज़रूर जाने वाला हूँ। गाइज अभी हम ना आ रखे हैं वो नाई निकेतन वाला जो मैंने आपको सुबह बताया था, मुझे मिल चुका है यहाँ पर।
ये है हाईवे से थोड़ा अंदर आके जयपुर मथुरा हाईवे पर राजकीय नारी निकेतन एवं पूर्ण निवास करके। तो अभी बस अंदर चलते हैं, एक बार बात बात करते हैं कि अपन यहाँ पर कुछ देने के लिए आ सकते हैं, खाने पीने के लिए और ये सब। तो अंदर जाता हूँ, पहले मैं बात बात करता हूँ अंदर। मुझे नहीं पता वीडियो बनाना अलाउ है नहीं है, बट स्टिल एक बार जाके बात बात करता हूँ, फिर जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज, अभी हम लोग अंदर मिलके आए हैं, उन्होंने बोला वीडियो वगैरह मत बनाओ, बट उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि अब पहले एक्चुअली ये प्राइवेट में हुआ करता था, अब ये गवर्नमेंट में हो चुका है। तो गवर्नमेंट में होने का यार एक फ़ायदा ये है कि बच्चों को सारी चीज़ों की सेवा मिल जाती है, और प्राइवेट में ये हुआ करता था जैसे आपका कोई बर्थडे या किसी घर में कोई अच्छा खुशी है या अपने मन से कोई कुछ करना चाहता है तो अपन लोग वहाँ जाके दे के आ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है भाई, लोगों सब कुछ बंद कर चुके हैं और उन्होंने बोला कि वो पीछे से अलाउ नहीं है हमें, तो अब आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो एक और है, हम लोग वहाँ भी चलेंगे शाम को, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो एक बार अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, फिर वहाँ से थोड़ी देर में फ्री होके एक बार मैं वहाँ वाले पर भी जाऊँगा। थोड़ा दूर है, मतलब पास मतलब है भरतपुर में, बट थोड़ा दूर है, तो एक बार वहाँ भी जाऊँगा। अगर वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं तो अपन पक्के से आपको अपडेट करेंगे, करना ज़रूरी है भाई लोगों, अपन सपोर्ट करेंगे गरीब बच्चों को, चाहे कैसे भी करें कहीं से भी करें बट करेंगे। तो अभी के लिए निकलते हैं घर पर, और थोड़ी देर में आपको लेके चलता हूँ अपना बड़े वाले उसमें जो बाल गृह है वहाँ पर। सो गाइस, ये तो सच है, जिसने भी कहा है सही कहा है। आप कुछ भी सही करने के लिए निकलोगे ना, अच्छा करने के लिए निकलोगे, तो वो चीज़ होगी ही नहीं एक बार में, ठीक। और भी ऐसा ही हुआ क्योंकि जो मैंने आपको बोला था अभी लास्ट टाइम कि मैंने एक दूसरा वाला भी है वहाँ भी जाके पता करूँगा, तो मैंने वहाँ फ़ोन करके पता किया, तो उन्होंने बोला सर भरतपुर में क्या पूरे राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट में जा चुके हैं सब में मना कर दी गई है कि आप लोग बाहर से कुछ भी लेके नहीं खिला सकते हो बच्चों को। और तो भाई आज बड़ा दिल दुखा मेरा, क्यों पता नहीं, मेरा बहुत मन कर रहा था कोई मतलब गरीब बच्चों की सेवा करने के लिए और सारा कुछ। एनीवेज अब यहाँ नहीं तो सड़कों पे कहीं ना कहीं मैं करूँगा तो ज़रूर, बट एक ऑर्फन चिल्ड्रन जो अनाथ होते हैं उनके लिए कुछ करने का अलग मज़ा होता है यार। क्या कर सकते हैं भाई लोगों, वहाँ से ही बंद हो चुका है, बस एक भरतपुर बचा है तो अनाथ आश्रम बचा है जिसका नाम है अपना घर करके, बहुत फेमस है। बट वहाँ पर क्या है ना गाइस, आप कुछ लेके खिला नहीं सकते हो, वहाँ पर आपको सिर्फ कैश ही देना पड़ेगा और कैश का कुछ पता ही नहीं, पैर वो यूज़ कर भी रहे नहीं कर रहे, बट जहाँ तक सुना है अपना घर के बारे में बोलते हैं कि बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं वो लोग। तो देखेंगे भाई लोगों, कैश का जिस दिन व्यवस्था बनेगी तो उस दिन कैश भी दिखाएंगे अनाथाश्रम में जाके, बट आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है यार। और अगर आप लोग भी सब कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप मेरे को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि मैं करने वाला हूँ बहुत जल्द कुछ ना कुछ बनवा के, कहीं ना कहीं से कुछ करके अपन गरीब बच्चों को दान में ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देने ज़रूर चलेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर चलने वाले हैं।